और रायगढ़ शहर की 2.5 लाख आबादी को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के दावे वाली नगर निगम की अमृत मिशन योजना धरातल पर नहीं उतरी है। योजना के तहत 168 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शहर में 325 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई। इतना ही नहीं, 28,000 घरों में वाटर मीटर भी लगा दिए गए। नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी का ये कहना है कि ये विडंबना है कि राशि खर्च होने के बाद भी योजना पूरी नहीं हो पाई है। शहर में 5 टंकियों के निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। आउटर के दर्जन भर वार्डों में अभी भी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बाकी है। ऐसे में शहरवासियों को बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे पानी मिल पा रहा है। इस योजना की मॉनिटरिंग न होने से शहर में अनाप शनाप कनेक्शन बांटे गए, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम अभी तक आउटर के वार्डों में मुश्किल से 1 घंटा भी पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है और अभी भी लगभग 8 से 10 हज़ार कनेक्शन ऐसे हैं जो कि छूटे हुए हैं और लोगों को अभी तक अमृत मिशन का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। अव्यवस्था का आलम हर तरफ व्याप्त है क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग नगर निगम के द्वारा की जानी चाहिए थी उसमें ये सफल नहीं हो सके। गाँव में जैसे मीटर की चोरी हो गई है, उन एरियों को भी शिकायतें मिली है जिन पर बहुत जल्द उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और हो सके तो बजट के लिए उसमें मांग की गई है। बजट आएगा तो मीटर पुनः उस पर लगाया जाएगा और अपने दूसरे को सुचारू रूप से नियमित रूप से 24 घंटा पानी दिया जाएगा।